ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्वेश्चन आया है कि जो वाइफ है, वाइफ की सैलरी होती है उस पर हस्बैंड का हक है या नहीं। एक क्लाइंट था तो वो क्वेश्चन, उन्होंने काफ़ी बार कमेंट किया कि सर हमारी, हम जॉब करते हैं और हम, हमारी जो सैलरी है वो हमारे पेरेंट्स यानी कि हस्बैंड के पेरेंट्स मांगते हैं कि लाख कमा के ला, और हस्बैंड भी बोलता है कि हाँ भाई इस घर में रहना पड़ेगा तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ इश्यू था, तो आपको मैं बता दूँ, अगर देखो वाइफ की जो कमाई है ना, ठीक है, वो उसका राइट है, सीधी बात, ठीक है। वो वॉलेंट्री अगर हस्बैंड को देती है यानी अपनी इच्छा शक्ति से देती है कि हे प्रभु पति परमेश्वर मैं आपको अपनी ये देती हूँ, वो अलग बात है, वो आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो हस्बैंड है वो ज़बरदस्ती कर रहा है आपसे, या आपके पेरेंट्स जो है वो सास ससुर है वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो देखो आप पहली बात तो हस्बैंड का आपकी प्रॉपर्टी पे, सॉरी आपकी पैसों पे कोई राइट नहीं है, ठीक है, यानी कि वो छीन नहीं सकता। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, डज हस्बैंड हैज़ राइट ऑन वाइफ्स मनी, सो आंसर आपको नो ही आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या, वैसे भी नो ही है, वो कंडीशन अलग है कि हस्बैंड अगर अनेबल टू अर्न है, यानी कि हस्बैंड के हाथ पैर सलामत नहीं है या फिर कुछ वो नहीं है, तो वो कोर्ट में जाके सेक्शन 24 करके आपसे ले सकता है, ठीक है, वो भी तब जब हस्बैंड की कुछ कंडीशन वैसी ऐसी होगी तब, अदरवाइज़ वो नॉर्मल है, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो उसको कोई राइट नहीं है। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि यार हम दें ना दें तो लड़ाई होती है, ठीक है। तो देखो आप उनको बोल सकते हो कि ये मेरा राइट है, ठीक है, अगर आपने कोई दिक्कत की तो मैं वुमेन कमीशन जाऊँगी, ठीक है, वुमेन राइट्स कमीशन जा सकती हूँ, तो कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। अब आपने स्टेट के ह्यूमन राइट कमीशन भी जा सकते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए ही लड़ते हैं, तो वहाँ का प्रोसीजर क्या है, वहाँ आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वहाँ आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, पहले इंक्वायरी होगी, वो आपको समझाएंगे ठीक है मैम निपट गया, ठीक है, अदरवाइज़ वो फिर एक्शन लेंगे, ठीक है, वो एक्शन अपने हिसाब से ही लेते हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर, चल।